आज कांग्रेस का समय हुआ तो लोगों ने कांग्रेस को पूछा कि भाई तलाक प्रथा आज भी क्यों चल रहा है। आज मुसलमान माँ बहन का आप लोग बात देखिए, कोई अगर दुबई में भी है गलती से भी व्हाट्सएप में लिख दिया तलाक तलाक तलाक, सचमुच तलाक हो जाता है, उनका कोई भविष्य नहीं होता था। डिमांड हुआ, मुस्लिम महिलाओं से डिमांड हुआ, लोगों ने डिमांड किया भाई लोगों को सम्मान चाहिए, आप लोग तलाक प्रथा का विलोप कीजिए। किसी का हिम्मत नहीं हुआ, 75 साल हो गया था भारत का, किसी का हिम्मत नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तलाक प्रथा का भी विलोप कर दिया, कहीं में कोई हल्ला नहीं हुआ। लोगों ने बोला था कि तलाक अगर हटाएगा तो देश में बहुत हल्ला हो जाएगा, कहां का हल्ला हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा अभी मुसलमान महिलाएं ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है कि आप देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति है कोई बात नहीं, दो दो तीन तीन चार चार शादियों कर लेता है, पर क्यों आप शादी करेगा तीन तीन, आप क्यों शादी करेगा चार चार? देश में अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म का लोग भी एक ही शादी करना पड़ेगा, अब कैसे दो दो तीन तीन शादी करेगा? इसीलिए आज हमें ये बोल रहा हूं कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर घर में एक बेटा है और एक बेटी है, बेटा का भी जो अधिकार है बेटी को भी अधिकार मिलना चाहिए। अगर एक पुरुष है एक महिला को आप शादी कीजिए, दो दो तीन महिलाओं को आप शादी मत कीजिए। आज हमें देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, वो भी कौन ला सकेगा? खाली बीजेपी ही ला सकेगा, कांग्रेस वाला लोग कभी ये नहीं लाएगा। इसलिए अभी कांग्रेस कभी नारियों का सम्मान नहीं किया था और आगे भी जाके सम्मान नहीं करेगा। आप लोग सुना होगा, एक सप्ताह पहले एक आफताब नाम का लड़का ने हमारा मुंबई से श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 35 टुकड़ा किया। और क्या किया जानते हैं? वो लड़की का जो मेरा बहन है, आप लोगों का बहन है, उनको फ्रिज में डाल दिया। और फ्रिज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रिज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। फिर किसी ने पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल, तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूं। आप देखिए, देश में एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है? आज देश को लाभ जहाद का खिलाफ सबसे अच्छा कानून का जरूरत है, और ये काम कौन कर सकता है? खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकता है, और कोई दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ा है। मैं कहां से आता हूं? मैं असम से आता हूं, माँ कामाख्या का धरती से आया हूं। हमारा प्रदेश और उत्तर पूर्व को ही और एक प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, हम साइना का सीमा का साथ हम लोग एक ही साथ रहता हूं। एक तरफ साइना है, एक तरफ भारत है। 1962 में साइना ने भारत को आक्रमण किया, भारत का सेनाओं को सीमा तक जाने के लिए दो सप्ताह चाहिए। इसलिए हमारा तरफ रोड नहीं है, हमारा तरफ ट्रेन नहीं है, हमारा तरफ कोई एयरपोर्ट नहीं है। साइना का तरफ पूरा पक्का रेलवे है, पक्का एयरपोर्ट है, पक्का रास्ता है। साइनीज आर्मी 2 घंटा में भारत को पूरा भारत का सेनाओं को डोमिनेट करते हुए, इसलिए हमारा सेना का छोटी टुकड़ी था, री एनफोर्समेंट संभव नहीं था, आसाम का बीच तक आ गया।
और हम युद्ध हार गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, अगर आज आप उत्तर पूर्व में जाते हैं तो आपको दिखाई देगा चाइनीज बॉर्डर तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा बड़ा रास्ता बनाया है, रेल लाइन बनाने का काम शुरू किया है और आज हर जगह में हवाई अड्डा का चालू हुआ है। अगर आज चाइनीज को भारत का बॉर्डर आने के लिए 2 घंटा चाहिए, भारत का आर्मी बॉर्डर जाने के लिए खाली 1 घंटा चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह चमत्कार किया। डोकलाम में चाइना ने भारत को आक्रमण किया, भारत पहले कांग्रेस का समय होता था तो भाग जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का समय में उन्होंने भारत का सेनाओं ने चाइनीज आर्मी का साथ लड़ाई किया और चाइनीज आर्मी को पीछे जाना पड़ा। आज देश का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। गुजरात ने जो एक सुपुत को भारत को दिया कि आप जाके भारत को विश्व गुरु बनाइए, आज आप देखिए जब भी विश्व का कोई भी बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे होता है और उनका साथ विश्व का बाकी नेता होता है। लेकिन पहले अगर आप लोग किसी ने मनमोहन सिंह को इतना बड़ा सभा में ढूंढने का कोशिश करेगा, आपको देखेगा 3 नंबर लाइन में कोई भारत का प्रधानमंत्री खड़ा हुआ है। आज मोदी जी ने वो चमत्कार किया। मोदी जी ने देश का उत्तर पूर्व को विकसित करवाया। आज मोदी जी ने पूरा जम्मू कश्मीर में शांति लाया और मोदी जी का समय में ही देश में संत्रासवाद निर्मूल हो गया। पहले क्या होता था, आप मुंबई में पाकिस्तानी आके अटैक करता है, भारत सरकार खाली स्टेटमेंट देता है कि वी कंडेम इट। पार्लियामेंट में अटैक होता है, भारत सरकार का कोई ताकत नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हमारा अभी देश चल रहा है, हमारा देश का नियम क्या है, अगर भारत के अंदर आप 2 धमाका करेगा, पाकिस्तान के अंदर हम जाके 20 धमाका करेगा। ये आज हमारा देश का नीति बना। मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व में आज भारत सुरक्षित हुआ, भारत आज विकसित हुआ और भारत धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था भारत विश्व गुरु बनेगा, वो रास्ता में भारत चल पड़ा। आज कांग्रेस पार्टी का कोई भी देश के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा। मैं हर बार बोलता हूं भाई, आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था, आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है, ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं देश में? चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, चुनाव चल रहा है हिमाचल में, आप चल पड़ा है तमिलनाडु में। लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया।